शहीदी दिवस पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन रजिस्टर्ड एनजीओ शाखा बाकनेर और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट गरीब एसआई प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बच्चियों और महिलाओं द्वारा शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में सैकड़ों युवक युवतियों ने रक्तदान कर शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि दी। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी जी है, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्ष हूँ और आज हमारे सभी पदाधिकारी, स्टाफ, टीचर और सभी छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की याद में आज यहाँ भगत सिंह दिवस मनाया गया और हमारे सभी पदाधिकारियों ने और सभी क्षेत्रवासियों ने हमारे बच्चों को इनके शहीद दिवस और इनके जीवन की प्रेरणा दी, जिससे हमारे बच्चों का मनोबल और भी मजबूत हुआ और उनका अच्छा मार्गदर्शन हुआ। नाम क्या आपका? नाम सतपाल। सतपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? नरेला। इससे पहले कितनी दफ़ा आपने ब्लड दिया? एक बार। एक बार, ये दूसरी बार है जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। हम ब्लड क्यों देते हैं? ताकि कोई जान बच सके और किसी के काम आए ज़रूरतमंद के। ये अपने लिए भी फ़ायदेमंद होता है, दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अपनी भी जान बचे, दूसरे की भी जान बचे। चतुर्भुज जी, चतुर्भुज जी कहाँ से आए हैं आप? अभी तो भारत माता मंदिर से आए हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? मथुरा के जी। मथुरा। आज आप पहली बार ब्लड दे रहे हैं? इससे पहले भी दिया आपने? नहीं जी, आज पहली बार दे रहा हूँ जी। पहली बार दिया जी। कितनी खुशी हो रही है? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, किसी के काम आओगा जी। किसी के काम आएगा और तो जी, अपनी सेहत भी ठीक रहेगी, अपनी भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसलिए ब्लड। तो बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही देंगे जी कि आप भी सभी दें, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सभी देते रहें? हाँ, सभी देते रहें, सबको देना भी चाहिए। काम क्या करते हैं आप? मैं जी पुजारी हूँ, कर्मकांड का अपना काम है, कथा भागवत इत्यादि करते हैं। तो इसमें भी कोई मंत्र हो सकते हैं? इसमें जी खून निकालते हुए का नहीं, इसके क्या मंत्र होंगे? मंत्र कोई नहीं है? नहीं, इसका तो कोई मंत्र नहीं है, ये तो डॉक्टरी कार्रवाई है जी, वो अपने तरीके से काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन का महासचिव। आज हमारे कार्यालय पर देश के शहीदों को नमन करते हुए आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 23 मार्च का दिन, वो काली रात जब हमारे देश के वीर सपूतों को रात के अंधेरे में फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और आज उन्हें नमन करते हुए आज हमने अपने सेंटर के बच्चों को उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रेरणादायक जो उनकी यादें थी वो उनके सामने तरोताज़ा की, और बच्चों को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अपने स्वतंत्रता सेनानी बलिदानियों के जीवन पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उसके साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी देश के प्रति भावनाएं थी उनकी, और जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपनी जवानी को बलि चढ़ाते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई, आज आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। और आज हमारे सेंटर पर हमारे सभी पदाधिकारी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के चेयरमैन योगी तेजपाल जी, हमारे मुख्य संरक्षक अनिल आर्या जी, हमारे संरक्षक संजय खत्री बाबा जी, और हमारे अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमारी योगी जी, उसके साथ में हमारे जो यहाँ पे शिक्षिका है अर्चना गुप्ता जी, और जो हमारे उपाध्यक्ष है ललित चौहान जी, और उसके साथ में हमारे रणवीर जी, मोहन जी और सुमित प्रधान जी, और हमारे मुख्य सलाहकार हैं आचार्य हरि भारद्वाज जी, एन के किराना जी,
आज सभी ने अपने श्रद्धा सुमन शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के चरणों में समर्पित किए हैं, और हम देश के सभी नौजवानों को यही प्रेरणा देंगे। उसके साथ साथ ही हम एक और बता दें आपको, हमारी संस्था ने ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर और टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट की तरफ से बड़ा टेंशन कैंप भी लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी नौजवान युवक युवतियों ने आकर उन शहीद बलिदानियों के लिए समर्पित अपना ब्लड दान किया। तो हम सभी देश के नौजवानों से यही कहेंगे कि अपने इन देश के सपूतों को हमेशा याद कीजिए, और एक चिराग कम से कम उनका जरूर जलाएं, ताकि उनकी आत्मा हमेशा हमारे बीच में समर्पित हो।